इसके बाद अलग से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स। ये शॉर्ट मार्क में खास पूछा जाता है। दिस टॉपिक इज स्पेशली आस्क्ड इन शॉर्ट मार्क एट यूनिवर्सिटी एग्जाम। व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट्स, लेट्स हैव एन आइडिया ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? दिस एसेट्स डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म। दिस एसेट्स डू नॉट हैव अ फिजिकल फॉर्म। Neither does it have a realizable value. So logically, it cannot stand in a queue of assets. Still, it has a characteristics of an asset that the benefit of such asset is available to a company for a period of more than 1 year, which enables such assets to be in the category of assets. एक कंट्रोवर्सी इस एसेट के बारे में, कंट्रोवर्सी ये है सर कि ये एक तरीके से, पहले तो यूं कहते हैं ये फिजिकल फॉर्म में ये एसेट है ही नहीं। हम इस एसेट को, ये भी थोड़ा थोड़ा यूं समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा इनटेंजिबल एसेट, 100% नहीं, थोड़ा थोड़ा हम इसी को फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, इसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन इसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं है, इसमें से आपको कुछ मिलने वाला भी नहीं। आप इस एसेट को बेच नहीं सकते, इसमें से कुछ मिलने वाला नहीं, ना ही इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस। सो लॉजिकली ये एसेट है ही नहीं, यूं सोचने जाए तो, बट फिर भी इसको एसेट के ब्लॉक में स्थान मिला है। एसेट का जो हम ब्लॉक लिखते हैं, उस एसेट के अंदर इसको स्थान मिला, जगह मिली। और उसका रीजन एक ही है कि ऐसे जो एसेट होते हैं ना, इसकी अवधि 1 साल से ज्यादा की मान ली जाती है। इसका जो फायदा मिलेगा ना, 1 साल में नहीं मिलेगा, हो सकता है इसका फायदा में 5 साल में मिले, 10 साल में मिले, तो इसका फायदा 1 साल के अंदर नहीं मिलने वाला है। बेनिफिट इसका आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, अच्छा हमने जो आज इन्वेस्टमेंट किया है उसका हमको फायदा थोड़े सालों के बाद मिलने वाला है, हो सकता है 2 साल बाद मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद, धीरे 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 धीरे। ये इसका बेसिक रीजन है, इसको एसेट में क्यों समावेश किया गया, क्योंकि आज जो आप एक तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से खर्चा है, लेकिन इसे इन्वेस्टमेंट का स्वरूप दे दिया गया है, और इस इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको एसेट के तौर पर बताया जाता है। बट दिस एसेट्स कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट and not having at realizable value, but do not qualify to be a real assets. So such assets are unreal assets, or we can say it is a fictitious assets. Jo real assets nahi hai, usse hum fictitious assets ka naam de sakte hain. Real assets kya hoti hai, humne abhi charcha ki, current ya non-current asset, maan lijiye wo real assets hai, ya tangible intangible assets ko aap maan lijiye wo real assets. टेंजिबल इनटेंजिबल को छोड़ देते हैं, उनमें जितनी चीजों का समावेश हो जाता है, उनको छोड़ने के बाद जो बचता है सर, उसे एक तरीके से हम अनरियल एसेट्स मानेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स मानेंगे, जिसको हम मार्केट में बेच नहीं सकते, वी कैन नॉट सेल सच एसेट्स, ना ही उसको बेचने से हमने कुछ मिलने वाला है, बेच ही नहीं सकते तो मिलेगा क्या, यानी इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं, हमने इसको बेच ही नहीं सकते एक तरीके से। Generally, non-recurring expenses are written off in certain years. Non-recurring expenses are written off in certain years. So, till not written off fully, such assets are shown in the balance sheet as fictitious assets with the remaining amount unwritten off amount. अब इसकी एंट्री कैसे होती है सर? बैलेंस शीट के अंदर हम एसेट की, फिक्टिशियस एसेट की कॉलम में इसकी हम एंट्री करेंगे। मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस, आपने एक साथ में कंपनी को लॉन्च किया, कंपनी लॉन्च हुई, कंपनी का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने, उसमें एक साथ में आपने 10 लाख का खर्चा कर दिया प्रोडक्ट लॉन्चिंग में। अब ये 10 लाख का अगर मैं ये पीएनएल अकाउंट में अगर ये खर्चा दिखा दूं, एक्सपेंसेस मान के कि भाई पीएनएल में 10 लाख का, तो पहले साल का जो मेरा प्रॉफिट होगा ना सर, प्रॉफिट होगा ही नहीं सर, लॉस दिखेगा वहाँ पर, हिसाब में गड़बड़ी होगी। अगर हम पहले साल में या पहले 3-4 साल में हम ये लॉस से उभर ही नहीं पाएंगे,
एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, कंपनी तो लॉस में जा रही है, तो उसको एक अच्छे से कवर करने के लिए, सिचुएशन को अच्छे से कवर करने के लिए कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि कंपनी के कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो नॉन रिकरिंग स्वरूप के होंगे, ये बार बार नहीं होने वाले। कंपनी कुछ एक्सपेंसेस कंपनी के ऐसे होंगे जो सिर्फ शुरुआत के स्टेज में होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस हो गए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गए, डिबेंचर इशू किए डिस्काउंटिंग रेट पे, शेयर्स इशू किए डिस्काउंटिंग रेट पे, तो ये शुरुआत के खर्चे हैं ज्यादातर, बार बार नहीं होने वाले, हर साल नहीं होने वाले, शायद आज जो आपने खर्चा किया 5 साल 10 साल तक वापस रिपीट नहीं होने वाला हो। तो हमें इसे एक तरीके से सेट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ करना है। कैसे रिटर्न ऑफ करेंगे? तो 10 लाख का अगर आपने खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट के पीछे, तो आपने एंट्री कैसे दिखानी होनी चाहिए सर, कि मान लीजिए आपने 10 लाख का खर्चा किया, तो फिक्टिशियस एसेट में आप 10 लाख में से एक लाख मान लेते हैं, 10 साल तक इसका बेनिफिट मिलेगा मान लेते हैं, तो वो 1 लाख हम उसमें से माइनस करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, और हम एसेट में 9 लाख दिखाएंगे, 1 लाख माइनस करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, और यही रिटर्न ऑफ वाली वैल्यू हम कहाँ दिखाएंगे सर, पीएनएल की डेबिट साइड पे दिखाएंगे, भाई 1 लाख हमने यहाँ से कम किया, खर्चा यहाँ पे 1 लाख का दिखा रहे हैं, 9 लाख अभी भी हमको एसेट तरीके से हम एसेट के वहाँ दिखा रहे हैं, और 1 लाख का जो हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, इस तरीके से हमने सिचुएशन को सेटल करना। एग्जाम्पल्स है फिक्टिशियस एसेट्स के, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच फिक्टिशियस एसेट्स आर शेयर्स और डिबेंचर डिस्काउंट, मैंने कहा वैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, शुरुआत के जो खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कह सकते हैं, या डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी एक तरीके से इसका दूसरा नाम भी है, शुरुआत के जो खर्चे होते हैं वो, शेयर्स और डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस हो सकता है। दिस एसेट्स आर इफ नॉट रिटर्न ऑफ, अगर रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं हम, रिकॉर्डेड अंडर द हेड अदर नॉन करंट एसेट्स अंडर द वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो रिटर्न ऑफ वैल्यू नहीं हुई होगी उसे हम नॉन करंट अदर नॉन करंट एसेट्स, यानी कि फिक्टिशियस एसेट का दूसरा नाम है अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स को छोड़ के जो एसेट्स बचती है उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं फिक्टिशियस एसेट्स अदर नॉन करंट एसेट्स, उसे हम फिक्टिशियस एसेट्स का नाम देखें। और मैंने कहा वैसे 10 लाख में से 1 लाख माइनस किया, रिटर्न ऑफ किया, 9 लाख हम कहाँ दिखा रहे सर, नॉन अदर नॉन करंट एसेट की हेड में दिखा रहे, इस तरीके से इसकी एंट्री